नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे, जैसे कि बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के ऊपर, तो बिस्तर में बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये एक बीमारी होती है जो कभी कभी 10-12 साल तक के बच्चे भी बिस्तर में बाथरूम कर देते हैं। तो आज हम इसी का एक छोटा सा साधारण सा घरेलू नुस्खा बताएंगे। यह तो आप काला तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए और बच्चों को शाम को 7-8 बजे के लगभग 2 लड्डू डेली बच्चों को खिलाइए, एक उपाय ये है। और यदि कोई लड्डू नहीं बना सकता तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि काला तिल साफ करके उसको कढ़ाई में हल्का सा भून लेते हैं, और भून करके उसमें गुड़ का महीन चूरा और तिल को भी हल्का सा कूट लेंगे, और गुड़ को भी महीन चूर्ण बना के आपस में मिला करके एक शीशी में भर के रख लीजिए। अगर आपका बच्चा 2-3 साल का भी हो गया है तो उसको शाम को आधा कटोरी, या जैसे 7-8 साल के बच्चे हो रहे हैं तो उन्हें एक कटोरी भर के शाम के 7-8 बजे के लगभग नित्य प्रति 15-20 दिन तक तो खिलाइए ही। इससे ये होगा कि जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं वो इस बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। और कभी कभी ये होता है कि बड़े लोग भी, मतलब ऐसे रात में इस समय सर्दी का मौसम है, 5-6 बार जाते हैं तो वो भी उलझन होती है कि ऐसी सर्दी में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो चाहे तो एक कटोरी वो भी गुड़ और तिल का ये मिश्रण या लड्डू, रात में एक कटोरी गुड़ और तिल का मिश्रण खा सकते हैं तो उनको भी बहुत फायदा होगा। और जैसा कि काला तिल और गुड़ ये सर्दियों में बहुत ही लाभदायक होता है, और ये एक बहुत ही छोटा सा घरेलू नुस्खा है जिसे आप सब लोग कर सकते हैं, और इसको हमने भी अपने बच्चों को खिलाया है। और अगर मेरा ये साधारण सा उपाय आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।